नमस्कार। बड़ी खबर पढ़े चलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोचाधामन के विधायक मासूम जाहिद आलम ने प्रेस वार्ता कर बड़ी बात कही। हालांकि लॉकडाउन के दरमियान उन्होंने स्कूलों के क्वारंटाइन सेंटरों में पहुंचकर लोगों के बीच जो राशन जन वितरण प्रणाली द्वारा दी जानी थी राशन, उन राशनों में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास ना राशन कार्ड है ना ही उनके राशन कार्ड के लिस्ट में नाम है। तो उन्हें विधायक द्वारा दी गई राशन को लेकर प्रत्येक व्यक्ति 5 kg चावल प्रत्येक यूनिट के हिसाब से दिया गया। वहीं पहुंचकर स्थानीय विधायक कोचाधामन के मास्टर मुजाहिद आलम ने लोगों के बीच राहत सामग्री दी और उन्होंने मीडिया से खास बात की। हालांकि उन्होंने लगातार आप क्वारंटाइन सेंटर का दौरा कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, कोरोना महामारी चल रहा है देश में, ऐसे में आपको लगता नहीं कि नहीं हमें सेफ्टी लेनी चाहिए या फिर हमको थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है? आपका सवाल, लेकिन कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जैसे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पुलिस के लोग हैं जी, और जनप्रतिनिधि हैं जी, अगर हम लोग पीछे हो जाएंगे तो लोग फिर कैसे लोगों का जो इनके लिए काम करें जी। इसलिए मैं लगातार जब जनता डूब रहे हैं और ये मेरी ड्यूटी भी है कि अपने आप को जहाँ तक होता है सेफ्टी बरतते हुए जी हम जो है जाते हैं क्वारंटाइन सेंटर में, जो कमियां होती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। सर कल मौदो स्कूल में पहुंचे थे, वहां जनता जो है काफ़ी आपकी तारीफ करते हुए नजर आए कि विधायक जी हमारे प्रति बहुत बड़ा कदम उठाया है, सरकार जो है उनके खिलाफ काफ़ी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि नहीं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, विधायक जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आखिर जो है नीतीश जी से कहीं ना कहीं जो लोगों की नाराजगी है, इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? देश में देख लीजिए जितने राज्य जी, आपके बगल में बंगाल है, झारखंड है जी, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड, वो क्या कर रही है लोगों के लिए और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं वो सबके सामने में जी, कमी बेसी थोड़ी बहुत होती है उसको योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए जी, और हम लोग इसीलिए लगातार जो हमारे प्रवासी भाई है उनके बीच में जाता हूँ, डेली अभी मेरा यही काम जी जी, और जो भी मुझे फीडबैक मिलता है मैं उसको ऊपर तक पदाधिकारी को जो भी उनका हक है, जो भी उनका वाजिब सामान है जी सब दिलवाते हैं जी, और बेटर से बेटर सुविधा कोशिश करते उपलब्ध हो जी। सर विपक्ष की तरफ से आप पर आरोप लगाया जा रहा है सिर्फ ये दिखावे के लिए दौरा हो रहा है, अब वो विपक्ष के पास है ही क्या जी, जो लोग आज तक घरों में घुसे रहे जी, अभी पहले इंटरव्यू दिए जी मीडिया को जी, मैं लॉकडाउन में अपने घर के आंगन से बाहर नहीं निकलना जी, ठीक है, और विधायक जी जो है लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं जी, और 2 दिन बाद आज 2 महीना बाद उनको भी आना पड़ा, मजबूर होना पड़ा जी, सारे विधायक को आप देखे होंगे पत्रकार है जी, जब से लॉकडाउन हुआ है जी किसी का चेहरा पब्लिक के बीच में नहीं था, सब घरों में कैद जी, ये ईद से 1-2 दिन पहले सारे जनप्रतिनिधि जो बड़े जनप्रतिनिधि अपने आप को काला रहे हैं उम्मीदवार काला रहे सब लोग जनता के बीच आए मजबूरन में जी, एक मैं जा रहा था जी, इसलिए उसको आना पड़ा, तो उसके कथनी और करनी में जी, जी, खुद अपने जो हो सका ईद के दिन जितने भी लगभग 3,000 लोग थे जी, मेरे 30 पंचायत में मैंने कोशिश की जी। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को YouTube पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारी पत्रकारिता आपका प्यार।